हाँ दोस्तों एक चीज़ बताना तो भूल ही गई आपको, रुको इसको बंद करके, सॉरी माफ करना। हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मेरा मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, मैंने ऑनलाइन भी मैं कब से चेक कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। एक गुलाब जामुन 60 रुपीज़ का है, तो इससे बेटर है कि मैं घर पे ही कुछ बनाऊँ। तो मुझे अपनी किचन में साबूदाना मिला। तो फिर सबसे पहले हम शुरू करेंगे, साबूदाना लेंगे। आप लोगों के पास घर पे अच्छे से पड़ा होगा, मैं गरीब इंसान, मेरे पास पैकेट में पड़ा है। जैसे मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मतलब साबूदाना लेना है। अगर थोड़ा सा बच गया तो फिर वो सुबह ऑफिस ले जाने के काम आएगा। उसके बाद हम दूध भी लेंगे इसके लिए और चीनी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। साबूदाना, घर का बना देसी घी, दूध और चीनी। मैंने बहुत अच्छे से सजा के नहीं रखा है, इसके लिए दोस्तों माफ़ करना मुझे। तो सबसे पहले ऑन करेंगे कढ़ाई, रखेंगे कढ़ाई। दोस्तों मेरी किचन में बहुत गंद दिख रहा होगा ना आपको इधर उधर, तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार। वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, सिर्फ एकदम इंस्टेंट प्लान बना और मैं बनाने लग गई। उसके बाद देसी घी निकालते हैं, थोड़ा सा हाथ में भी लग जाएगा क्योंकि जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े शेफ हैं वो तो अलग से निकाल के रखते हैं ना, हम रहे देसी बनने। देखो लग भी गया दोस्तों, चलो कोई ना, हाथ में हाथ मालिश कर लूँगी। यार दोस्तों कैसे डालूँ यार, आप मेरा मजाक मत उड़ाना। पानी फिर आ गया। अच्छा ये हमने डाला देसी घी। ज़्यादा देसी घी भी मत खाना यार, पिंपल्स हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी बहुत पिंपल्स होते हैं। दोस्तों थोड़ा संभल के यार, थोड़ा गीला था, बोला था सूखने देना। चलो कोई ना, बट आप बहुत संभाल के करना जो भी आप करोगे। यार दोस्तों एक चीज़ बताना तो भूल ही गई आपको, रुको इसको बंद करके, सॉरी माफ करना। इसको भिगो के, इसको भिगो के रखना है 10 से 15 मिनट। इसको भिगो के रखना है, भिगोने के बाद इसका पानी निकाल देना है, उसके बाद यूज़ करना। तो चलो भिगोते हैं यार। तो दोस्तों देखो 10 से 15 मिनट तक हमने इसे भिगो के रखा। भिगोने के बाद इसका पानी जो है वो हम फेंक देंगे, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। सॉरी मुझे याद नहीं था, लेकिन आप जब भी बनाओ तो अच्छे से बनाना। दोस्तों इसका जो पानी था वो हमने फेंक दिया है, ओके। और उसके बाद इसको भिगोने का ये रीज़न है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और ये पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, इसलिए आप जब भी इसे बनाओ तो 10 से 15 मिनट तक इसे भिगो के रखो। देखो दोस्तों साबूदाने को बनाने का सबका अपना अपना अलग तरीका होगा। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इस तरीके से नहीं बनता, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैंने इससे पहले ये कभी नहीं बनाया। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। अगर मैं ये वीडियो डालती हूँ और आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों, पहली वीडियो है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जो मैं इसमें साइंस लगा रही हूँ वो ये है कि ये जब नीचे नहीं लग रहा है ना, मतलब कढ़ाई में नीचे नहीं चिपक रहा है और ऊपर ऊपर को आ रहा है, तो मतलब कि ये सही बन रहा है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ दोस्तों, लेकिन ये नीचे नहीं लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली, ये खुद ही देखो कड़छी के साथ साथ ये खुद ही घूम रहा है। तो दोस्तों देखो इसके बाद हम लेंगे दूध। अब दोस्तों हम इसमें दूध डालेंगे, लेकिन दूध आपको सारा नहीं डालना। ये मिलाई भी इसके साथ खुद ही आ रही है इसमें, चलो कोई बात नहीं। सारा दूध नहीं डालना है, धीरे धीरे करके दूध डालना है और देखना है कि बाहर ना गिरे। मेरी तरह कोशिश करना कि दूध ना गिरे। और आपको कोशिश ये करनी है कि इसका एक एक दाना अलग अलग हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये साबूदाना है इसका एक एक दाना अलग हो गया और ये नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अभी ये दूध में पकेगा तो और ज़्यादा अच्छे से आपको दिखेगा कि हाँ इसका एक एक दाना अलग हो गया। और इसे बनाने की सबसे इम्पॉर्टेंट, ताकि ये टेस्टी बने, जो मैंने अपनी मम्मा से सीखी है, आप लोगों को भी पता होगा कि जो भी चीज़ हम चाहते हैं कि टेस्टी बने उसे सिम आंच में पकाएं। तो इसे भी हम सिम आंच में पकाएं। तो ये थोड़ा सा जो दूध बच गया है उसे भी हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी कितनी डालूं, लेकिन चलो देखते स्वाद अनुसार। यार दोस्तों, अब आप अपने हिसाब से चीनी डालना, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हिना, वैसे मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए ज़्यादा डल भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने हिसाब से मीठा डालना। और आप इसको अच्छे से मिक्स करना। देखो दोस्तों, ये इजीली खुद ही बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है, ये देखो। तो ये है बादाम, इसे हम काटेंगे। में काटते हैं ना, इतने अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो फिर देखो ये बन गया है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा भी हो गया है, ये बन चुका है। और हम अपनी गैस को बंद कर दें। चेक करते हैं कैसा बना। अच्छा बना, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। ये तो घर पे कोई नहीं है कि मैं इसलिए चेक कर रही हूँ, हाथ पे रख के चेक करना बहुत गंदा तरीका होता है, लेकिन मैं ऐसे ही चेक करती हूँ। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलो अब हम इसे डालते मीठा भी ठीक है और ये पक भी अच्छे से गया है। और मेरा मीठा खाने का मन था, तो फिर मैं जैसा सोच रही थी कि मीठा ज़्यादा हो जाएगा या अच्छे से नहीं पकेगा या फिर जल जाएगा कुछ भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो कोई आइडिया नहीं था। बट ओवरऑल सच में अच्छा बना है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये घर पे बना के बहुत इजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज द मंक को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। द मंक के नाम से यूज़र नेम है। और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द मंक ट्रैवल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपना ढेर सारा प्यार दें। बाय बाय।